चलते हैं हम ठीक है सच में हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत हो रही नई सुबह से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इधर हम लोगों ने चाचा चाची और आमा लोगों से विदा ले लिया है। तो आज का सफ़र है हमारा ट्रैवलिंग का। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा पे। तो हमारा अचानक से प्लान बना कि हम लोग अल्मोड़ा जाएंगे करके, लेकिन अल्मोड़ा पहुँचते हमारा प्लान चेंज हो चुका है। तो इधर गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर मैं और हस्बैंड बैठे हैं आराम से कंफर्टेबल हो गए। तो ये है अल्मोड़े का व्यू। सुबह के करीबन 11 बज रहे हैं। 11 बजे के टाइम पे हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। तो अल्मोड़ा पहुंचते हमारा प्लान चेंज हो गया। तो हम लोग अल्मोड़ा से आगे निकल चुके हैं, जो कि अल्मोड़ा से करीबन 60 या 65 किलोमीटर आगे पे है कौशानी मार्केट। तो ये है कौशानी की मार्केट। तो कौशानी मार्केट से भी फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, दिन के अभी 12 बज रहे हैं। तो कसानी से भी हम लोग फिर आगे निकल चुके हैं। तो हम लोग पहुँचे इसके बाद गरुड़ की मार्केट पे। तो ये देखिए गरुड़ बाज़ार, तो ये काफ़ी लंबी है, करीबन 2-2.5 किलोमीटर की गरुड़ बाज़ार है। और कुछ हल्द्वानी जैसा सीन लग रहा है यहाँ पे गरुड़ मार्केट देख के। काफ़ी सस्ती मार्केट भी है। और तो इधर हम लोग टैक्सी से उतर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग को भूख लग चुकी थी, क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ता करके निकले थे। तो इसके बाद हमने यहाँ पर चाय और समोसा खाया, चाय समोसा, क्योंकि हमें खाना खाना था। तो खाना खाने के लिए यहाँ पे हमारा अगल बगल अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो इधर हमने गर्मा गर्म चाय और समोसा खाया। तो फिर से हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और करीबन अभी शाम के 4 बज रहे हैं। 4 बजे भी यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आई है। तो अभी हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर का नाम है बैजनाथ। यहाँ पर एक बैजनाथ मंदिर है और बगल पर बैजनाथ झील है। और फिलहाल हम लोग फिर बैजनाथ से आगे की तरफ निकल चुके हैं। और आप यहाँ पे के खेतों का व्यू देखिए, खेतों में सरसों की खेती लगी है, हरा भरा हो रहा है चारों तरफ। और बगल पे यहाँ पे है गोमती नदी, जो कि गोमती नदी आगे जाके बागेश्वर पे मिलती है। बागेश्वर पे सरयू और गोमती का संगम है, तो यहीं से होते हुए जाती है। तो फाइनली हमारा सफ़र समाप्त हुआ और अभी हम हैं बागेश्वर के टैक्सी स्टैंड पर। तो ये है बागेश्वर की मार्केट। तो अभी तक मैंने बताया नहीं कि हम लोगों का सफ़र कहाँ तक था। तो हम लोगों का सफ़र था बागेश्वर तक, क्योंकि बागेश्वर पर भी मेला भी लगा है और बागेश्वर बागनाथ मंदिर से हमें बुलावा भी आया होगा। तो इसलिए हम लोग बिना कोई प्लान के और बिना किसी उस पर हम लोग बागेश्वर यहाँ पे आ चुके हैं, बागेश्वर धाम पे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने होटल ढूंढा। तो यहाँ पे होटल के मैनेजर से हमने पूछा कि यहाँ से मंदिर कितना दूर है, तो उन्होंने हमें मंदिर की इन्फॉर्मेशन दी। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर होटल का कमरा लिया और बगल पर यहाँ पर रिसेप्शन पे, यहाँ पे बगल पे टीवी लगा रखी है। तो यहाँ से जो बागेश्वर का मेला लगा है वहाँ से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, अभी करीबन शाम के 5 बज रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने होटल में कमरा ले लिया है। होटल का नाम है होटल पिंडर इन, जो कि मेले से करीबन 200 मीटर दूरी पे है। जो नज़दीक पे था हमने सबसे पहले वही वाला होटल देखा। और हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से करीबन 5 बजे हमारा सफ़र समाप्त हुआ है। फाइनली हम लोग को रूम मिल गया है, सिंगल रूम है, सिंगल बेड है। और इधर पे लगी है टीवी और ये अलमीरा। क्या देख रहे हो तुम, टीवी? और 7 अटैच्ड वॉशरूम है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आ गए हम लोग। हालत ही ख़राब हो गई, सर में दर्द हो रही, कभी उल्टियाँ नहीं होती थी, आज मुझे उल्टियाँ भी हो गई हैं, इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी। फिलहाल अभी टीवी देख रहे थे।